हेलो एंड वेलकम भाई, मौसम ही ऐसा है, फेस्टिविटीज सब तरफ हैं और क्रिसमस इज सच अ बिग फेस्टिवल और उसमें केक ना ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने सोचा कि एक प्लम केक बनाते हैं। तो सिंपल है, ये मेरे पास में है ब्राउन शुगर, ऑरेंज जूस, अब ये फ्रेश ऑरेंज जूस, तो ये मेरे पास में है ये फिग्स, एप्रिकॉट, रेजिन्स, किशमिश और काजू हैं, जो टुकड़ा काजू मिलता है कैशोनट, उसके साथ साथ वॉलनट्स। तो अब ये सारी चीज़ें हमने डाल दी, अब हमने पकाना है, क्रैनबेरीज डाल दी जाएं। और ये मेरे पास में है न्यूट्रलाइट दूध शक्ति बटर स्प्रेड, बेकिंग सोडा। अब ये बेकिंग सोडा क्या कर रहा है? एक्चुअली ये जो ड्राइड फ्रूट्स है ना, उसको एकदम सॉफ्टन कर देता है। ये देखिए उठना शुरू हो गया, थोड़ा सा सॉफ्ट करना है हमने। सबसे बढ़िया बात ये है, ये जो केक है इसको मैं हेल्दियर बनाऊंगा क्योंकि इसके अंदर मैं डालूंगा न्यूट्रलाइट चॉको स्प्रेड, टेस्ट चॉकलेट का और उसके साथ साथ कैल्शियम एनरिच्ड, क्योंकि दो चम्मच इसको डालने से एक ग्लास दूध जितना कैल्शियम आ जाता है। जिस तरह से जो क्रिसमस केक होता है उसकी पूरी सेरेमनी होती है ड्राइड फ्रूट नट्स को मच्योर करने की, उसको सोक करके रखते हैं, तो उस प्रोसेस को हम यहाँ इस पैन के अंदर कर रहे हैं। अब ये हो गया, इसको निकाल लेते हैं। ये निकाल के हल्का सा ठंडा कर लिया और इसके अंदर थोड़ा सा और फ्रूटी फ्लेवर, ऑरेंज, ये ऊपर से जेस्ट और इसके साथ साथ ऑल स्पाइस पाउडर एसेंस। आई एम गोइंग टू ऐड कोको पाउडर, इसका जो कलर है उसको डीप करने के लिए। इसके साथ साथ इसके अंदर ये मैदा, इसको मैं छान के इसके अंदर डाल रहा हूँ, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, तीनों चीजें, वेरी नाइस। जरा इसको मिक्स करते हैं हम और इसमें ये मेरे पास में है थोड़ी सी दही डाल रहा हूं। आहा, लुक एट दैट न्यूट्रलाइट चॉको स्प्रेड। और अब इस प्लम केक को बढ़िया, नाइस, टेस्टी, डिलिशियस एंड हेल्दियर, इसे जरा अच्छी तरह से मिक्स कर देता हूं। मजा तो इसको बेक करके आएगा। चलिए, बैटर तो हो गया, बेक करने के लिए केक टिन, और केक टिन में हल्का सा उसको ऑयल किया, ग्रीस किया, बेकिंग ग्रीस प्रूफ पेपर डाला, थोड़ा सा साइड में रखा है ताकि इसको इसी तरह से पूरा उठा सकते हैं हम आसानी से। लोड्स ऑफ टेस्ट, स्टिल हेल्दियर। थोड़ा इवनली स्प्रेड किया और इस पे कुछ नट्स लाइटली स्प्रिंकल्ड। तो केक ये तैयार है केक टिन के अंदर, ओवन 180 डिग्री सेल्सियस पे तैयार है, प्री हीट किया हुआ है और इसको हम बेक करेंगे अबाउट 90 मिनट्स। काफ़ी डेंस केक होता है, काफ़ी देर तक इसको रख सकते हैं और ऊपर से जले नहीं तो क्या कर सकते हैं, इसे एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर सकते हैं और इसको डाल देते हैं ओवन के अंदर। केक चला गया ओवन के अंदर 180 डिग्रीज 90 मिनट्स, उसके बाद में निकाला, बस बढ़िया बढ़िया गरम भी खा लिया, थोड़ी देर रखा उसके बाद में खाया, काफ़ी देर तक रह सकता है। खैर, क्रिसमस का केक है, मज़ा है। ये न्यूट्रलाइट चॉको स्प्रेड के साथ में हमने इस केक को बनाया है, टेस्टी है, डिलिशियस है, हेल्दियर है, और क्या चाहिए। वैसे क्रिसमस का क्यों इंतज़ार करना, फेस्टिवल तो उस दिन होता है जिस दिन हमने मान लिया। मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू।